नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। कोरोना वायरस इन दिनों दुनिया भर के 128 से अधिक देशों में फैल चुका है और इस वायरस की वजह से हजारों मौतें भी हो चुकी हैं। और कहीं ना कहीं अगर आज वर्तमान में इसकी बात करें कि कोरोना वायरस दहशत का दूसरा नाम बन चुका है तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान की संस्कृति आज कोरोना वायरस के दौरान हो रही गतिविधियों को रोकने में काफ़ी सफल नज़र आती है। और इन्हीं गतिविधियों को लेकर के, भारत की इसी संस्कृति को लेकर के इन दिनों सोशल मीडिया पर दो कविताएं काफ़ी मात्रा में वायरल हो रही हैं। एक कविता एक महिला के द्वारा है जिसमें वो कोरोना से बचाव के लिए भारतीय संस्कृति को किस तरह से उपयोग किया जा सकता है और कोरोना किस तरह से भारतीय संस्कृति के प्रति सक्रियता रखने वाले लोगों के लिए निष्फल हो जाती है, ये बताया गया है। कविता में महिला के द्वारा कहा जाता है कि रात में उसके सपने में आई कोरोना और वो बोली मुझसे डरो ना। वहीं एक बुंदेली कविता भी इन दिनों काफ़ी वायरल हो रही है। हम अपनी इस रिपोर्ट में उन दोनों कविताओं को आपको सुनाने वाले हैं, तो आइए सुनते हैं वो कविताएँ और देखते हैं कि भारतीय संस्कृति किस प्रकार से कोरोना के बचाव के लिए लाभकारी होती है। और जब सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर चल पड़ा है, ऐसे में ये कविताएं हमें काफ़ी मनोरंजित करती हैं, साथ ही साथ कोरोना के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाने के लिए भी प्रेरित करती हैं। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। कल रात सपने में आई कोरोना, कल रात सपने में आई कोरोना, उसे देख जो मैं डरी, उसे देख जो मैं डरी, तो मुस्का के बोली मुझसे डरो ना। उसने कहा कितनी अच्छी है तुम्हारी संस्कृति, न चूमते न गले लगाते, कितनी अच्छी है तुम्हारी संस्कृति, न चूमते न गले लगाते, दोनों हाथ जोड़कर वो स्वागत करते, दोनों हाथ जोड़कर वो स्वागत करते, वही करो ना मुझसे डरो ना। उसने कहा कहां से सीखा तुमने रूम स्प्रे बॉडी स्प्रे, पहले तो तुम धूप दीप अगरबत्ती कर्पूर लोहबान जलाते थे, वही करो ना मुझसे डरो ना। शुरू से तुम्हें सिखाया गया जब भी बाहर से आओ तो अच्छे से हाथ पैर धोकर घर में घुसो, अच्छे से हाथ पैर धोकर घर में घुसो, मत भूलो अपनी सभ्यता संस्कृति, वही करो ना मुझसे डरो ना। उसने कहा सादा भोजन उच्च विचार, सादा भोजन उच्च विचार, यही तो है तेरे संस्कार, सादा भोजन उच्च विचार, यही तो है तेरे संस्कार, उन्हें छोड़ जंक फूड फास्ट फूड ये सब के चक्कर में पड़ो ना मुझसे डरो ना। उसने कहा शुरू से ही तूने अमूक जानवरों को पाला पोसा स्नेह दिया, शुरू से ही तूने अमुक जानवरों को पाला पोसा स्नेह दिया, रक्षण की है तुम्हारी संस्कृति, रक्षण की है तुम्हारी संस्कृति, उनका भक्षण करो ना मुझसे डरो ना। कल रात सपने में आई कोरोना, मुझसे है जो बोली तुम भी करो ना। नमस्कार विज्ञारो, जैसा कि आपको पता है कि अब कोरोना वायरस को बहुत लफड़ा चल रहा है, स्वपन के लाने बहुत सावधानी रखने, दिन में बार बार हाथ धोने हैं, इतने उतने से अपन घूम के आते हैं जब घर है तो अपन के लाने बार बार हाथ धोने हैं, खांसने छींकने हैं तो अपने लाने कपड़ा रखने हैं, मास्क लगाने हैं और जी सब सावधानियां अपन को बरतने हैं जो उनसे अपन कोरोना से बच सकते हैं। तो अब कोरोना वायरस को इतना चल रहा है लफड़ा के अगर आप आज कोई को फोन भी लगाओ ना तो हलो की आवाज़ बाद में आते, पहले उतने से खांसी की आवाज़ आते हैं। तो वही संदर्भ में हमने एक कविता लिखी है बुंदेलखंडी में, तो अगर हम बात सुना वो चाह रहे हैं तो सुनो आप। चमगादड़ खाके हमोरो को बता रहे कोरोना वायरस से हमोरे नहीं डरा रहे, हाथ मुँह धोके सबरे काम निपटा रहे, मुँह पे कपड़ा लगा के कटरा से गोपालगंज फिर के आ रहे, तनक दूर कर्रापुर में तो गुनिया कोरोना झार रहे, घरे कोने को तनक छीक आ रही सो को तिली में पार रहे, चीनवारी सोच रहे हमोरे कोरोना को मजाक में टार रहे, हाय हेलो तो दूर हमोरे तो दूर ऐसे नमस्ते की आदत डाल रहे, जोन कोई हाथ तक नहीं धोत तो ढंग से भी तो दिन में तीन बार नहा रहे, कोरोना वायरस से हमोरे नहीं डरा रहे, चिकनगुनिया मलेरिया डेंगू तक तो रुक नहीं पा रहे, कोरोना में इतनी दम कहाँ के बुंदेलखंड में सोया पा रहे,
कोरोना वायरस से हमारे नहीं डरा रहे, कोरोना वायरस से हमारे नहीं। खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।